जय माता दी फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम हियर फॉर यू टू डिस्कस द पोएम दैट इज द वेस्ट लैंड बाय टी एस एलियट। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम दैट टी एस एलियट टेक इट दिस पोएम और राइट दिस पोएम विद द हेल्प ऑफ मैनी अदर पोएम्स, कि ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पोएम्स, मतलब इसके अंदर बहुत सारी अदर पोएम्स और जो मे बी खुद की भी लिखी हुई हैं और अदर राइट पोइट्स की भी हैं, उनके कुछ मेन चीज़ें ली हुई हैं। तो मतलब इसलिए ये बहुत ही लॉन्ग पोएम है और वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई एम गोइंग टू हियर आपको, मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ कि इस पोएम में क्या क्या है। सो एज़ मैंने टाइटल पहले डिस्कस किया था, जैसे कि वेस्ट लैंड इज़ नॉट अबाउट द वेस्ट आफ्टर द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो लिखी गई थी, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो लास्ट में जो वेस्ट दैट मीन्स जो हानि हुई थी, जो नुकसान हुआ था या फिर जो चीज़ें जो वेस्ट हुई थी उसके बारे में नहीं है। ये है जो लोगों के, इंग्लैंड के लोग हैं, उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं, स्पिरिचुअलिटी ख़त्म होती जा रही है, उनके अंदर इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं, उसके बारे में है। सो इसके जो 5 सेक्शंस हैं उनमें से हम 1 by 1 करेंगे। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, दैट इज़ द बरियल ऑफ द डेड, कि डेड को बरी करते हैं ना, दफनाते हैं, तो ऐसा इसका टाइटल है। इसमें पोएम में अदर चीज़ें भी बताई हुई हैं, एक जगह पे एट द एंड द बरियल ऑफ द डैड जो टाइटल है वो आएगा, सो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगी। एंड इट्स फुल टाइटल इज़ द ऑर्डर फॉर द बरियल ऑफ द डैड। सो यहाँ पे बरियल ऑफ द डैड डजेंट मीन कि यहाँ पे किसी इंसान का बरियल किया गया है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो पोइट है वो ये कहना चाहता है कि जो लोगों के अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड की, जो इंग्लैंड से, वो मतलब इंग्लैंड के ऊपर ही इन्होंने ये पोएम लिखी है टी एस एलियट ने, कि उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, इमोशंस हैं, स्पिरिचुअलिटी है, वो किस तरीके से ख़त्म हो रही है, रिलीजियस जो होती है फीलिंग्स वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी wasting any time. So April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, sting dull roots with spring rain. Here we can see April is the cruelest month. ये जो लाइन है ये कैंटरबरी टेल्स में चौसर बाय चौसर उसके अंदर इस चीज़ को काफ़ी अच्छा बताया है अप्रैल को, कि मतलब काफ़ी फ्रूटफुल मंथ होता है, काफ़ी अच्छा होता है, उसमें इसके बारे में सारी एडवांटेजेस बताई हुई हैं। लेकिन इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, कि वो सबसे क्रूअल मंथ है। तो क्योंकि इसमें जो ब्रीडिंग लिलाक्स मतलब फ्लावर्स हैं, पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं जो डेड लैंड से बाहर आते हैं, जो मेमोरीज और डिज़ायर्स हैं वो, लेकिन उनको फिर भी ये जो मंथ है, ये पोइट कहना चाहते हैं, फिर भी जो मॉडर्न वर्ल्ड को ये मंथ पसंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो इसमें हर एक चीज़ को मॉडर्न वर्ल्ड की जो स्पिरिचुअलिटी और इमोशंस हैं उससे कनेक्ट किया गया है, कि मतलब हर एक चीज़ को उससे कनेक्ट करके देखना होगा हमें, कि जैसे अप्रैल इसलिए क्रूएलेस्ट मंथ लगता है क्योंकि वो बाहर ही नहीं आना चाहते, वो जो उनका स्पिरिचुअल डिके हो चुका है मॉडर्न वर्ल्ड का या मॉडर्न पीपल का, वो उससे बाहर ही नहीं आना चाहते, ना वो सोचना चाहते हैं, वो रीजनरेशन के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, वो जो डिके हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। तो इसलिए उनको अप्रैल जो है वो क्रूएलेस्ट मंथ लगता है, जबकि उनको जो क्रूअल मंथ होता है विंटर, सॉरी जो विंटर सीजन है, वो जो अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल तो जबकि अच्छा मौसम होता है, क्योंकि अप्रैल में कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग सीजन होता है, तो स्प्रिंग सीजन को इन्होंने क्रूएलेस्ट बताया, जबकि ये अच्छा होता है। और जो विंटर है, जो ये मतलब इसके अंदर कुछ वो होते हैं कि भाई
विंटर जो होता है इसमें स्प्रिंग जैसा कुछ भी नहीं होता कि ना नई कॉम्पले आती हैं ना वर्ल्ड में हर तरह ग्रीनरी ग्रीनरी होती है सॉरी हर जगह पे। तो विंटर को बताना चाहिए जबकि विंटर को अच्छा बताते हैं। विंटर हमें वार्म रखता है क्योंकि अर्थ इनफॉरगेटेबल स्नो फीडिंग ए लिटिल लाइफ विद ड्राई ट्यूबर्स। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जो हेयर ट्यूबर्स आर कंद जो हम कहते हैं अंडरग्राउंड जो होते हैं ग्राउंड के जो नीचे जैसे कि शकरकंद होता है वैसे जो वो जो प्लांट्स हैं जो नीचे पनपते हैं ऐसे कंद जो होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि जो वो विंटर के अंदर वार्म होके वो जमीन के नीचे ही सो रहे होते हैं। तो उसको उन्होंने मंथ को अच्छा बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि वो उनको जो विंटर है वो उसकी तरह उनकी जो थॉट्स हैं जो रीजनरेशन की थॉट्स हैं स्पिरिचुअलिटी की थॉट हैं वो सोई हुई हैं वो मतलब बाहर आना नहीं चाहती हैं इसलिए विंटर को अच्छा बताया है उन्होंने। समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्टेनबर्ग सी विद अ शॉवर ऑफ रेन वी स्टॉप्ड इन द कॉलोनेड एंड वेंट ऑन इन सनलाइट इन टू द हॉफ गार्डन एंड डार्क कॉफी एंड टॉप फॉर एन आ एंड दिस इज द लाइन इन जर्मन। सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट टोल्ड अबाउट द सीजन स्प्रिंग सेकेंड वन वी सी दैट विंटर एंड इन थर्ड वन वी आर गोइंग टू सी दैट समर। तो समर में वो क्या करते हैं कि वो कुछ पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हैं। तो कमिंग ओवर द सैंडबर्ग सी दिस इज अ लेक इन यू कैन सी दिस इज एन लेक इन जर्मनी। ओके सो यहाँ पे एक लेक नियर मुनिच है जो वहाँ पे गए थे पॉइंट अगस्त 1911 में। तो वहाँ पे इसमें वो बताया हुआ है कि ये जो लेक है वहाँ पे गए थे वहाँ पे बारिश हुई और वी स्टॉप्ड इन ए कॉलोनेड। हम एक कॉलोनेड में रुके थे। यहाँ पे इसको सीरीज ऑफ पिलर कह सकते हैं एक लाइन ऑफ पिलर्स कॉलोनेड एंड वेंट ऑन इन सनलाइट इन टू द हॉफ गार्डन। और हम वहाँ पे सनलाइट में कहाँ गए थे? एक हॉफ गार्डन में गए थे। दिस इज द गार्ड पब्लिक पार्क इन मुन्हिक जर्मनी एंड ड्रैंक कॉफी एंड टॉक फॉर एन आवर। वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी और 1 घंटे तक बातें की। और ये एक लाइन है जर्मन में जो लिखी हुई है पोइट ने। सो और इसमें बताया हुआ है इस लाइन में कि आई एम समवन इज इंट्रोड्यूस हर सेल्फ दैट इज आई एम ए जर्मन एंड आई कम फ्रॉम लिथुआनिया सो आई एम ए प्योर जर्मन। सो वो कहती है कि मैं रशियन नहीं हूँ मैं लिथुआनिया से आई हूँ आई एम ए प्योर जर्मन। सो इसमें कोई लेडी इंट्रोड्यूस करवा रही है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। होप स्टूडेंट्स सॉरी फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा वीडियो इसमें समझ में आया होगा। और हम एक बार अब पॉइंट क्या कहना चाहता है एक बार इसमें इसके बारे में टेक्स्ट भी देख लेते हैं ताकि हमें कुछ समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट हो जाएगा। द पैराडॉक्स ऑफ द सीजन विथ विच द पोएम बिगेंस इनवर्ड नॉर्मल एटीट्यूड टुवार्ड्स द लाइफ साइकिल दस रिवर्सिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेजिटेशन मिथ एंड गिव ऑन आयरनिक टर्न टू द ऑफिस ऑफ द बरियल ऑफ द डेड। इसमें जो है इसमें सीजन का पैराडॉक्स बताया गया है कि स्प्रिंग को क्रूअल बताया गया है मतलब अप्रैल मंथ को और विंटर को काफ़ी वार्म बताया गया है। और इसमें जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बताया गया है कि इसमें मिथ्स हैं आयरन नहीं दी हुई है क्योंकि लोगों को जो सीजन में फ्रूटफुलनेस होता है फ्रूटफुल होता है वो तो क्रूअल लग रहा है और उनको मतलब क्योंकि वो अपने रीजनरेशन और स्पिरिचुअल डिके से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। और विंटर स्प्रिंग डिस्टर्ब द डेड लैंड स्ट्रिंग मेमोरी एंड डिजायर विंटर लेट्स इट फॉरगेट। क्योंकि स्प्रिंग जो होती है जैसे पौधे पौधे बाहर आते हैं स्प्रिंग सीजन में कॉम्पले फूटती हैं उस तरीके से उनकी मेमोरी और डिज़ायर ये हैं कि वो कुछ भी याद नहीं करना चाहते हैं वो विंटर की तरह सब कुछ भूल जाना चाहते हैं लैंड के नीचे फॉरगेट करना चाहते हैं। जैसे लैंड के नीचे जो ट्रीज होते हैं प्लांट्स होते हैं वो सो रहे होते हैं विंटर सीजन में ग्रोथ नहीं होती ज़्यादा उनकी उसी तरीके से वो अपनी थॉट्स में भी कोई ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं। देन द वर्स मॉड्यूलेट्स इनटू नैरेटिव द स्ट्रीट मेमोरी दैट इलस्ट्रेट्स एंड सपोर्ट्स
supports this attitude. Summer caught them unaware, coming with rain. Summer में फिर रेन होती है. इन द गार्डन सीन मैरी इज इंट्रोड्यूस बाई द जर्मन. अब यहाँ पे जो मैंने लेडी बताया था वो कौन है? वो लेडी मैरी है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है एज ए जर्मन, कि मैं जर्मन हूँ. आई एम नॉट ए रशियन, आई कम फ्रॉम लिथुआनिया. मैं लिथुआनिया से आई हूँ, इसलिए मैं एक प्योर जर्मन हूँ. सो इट इज़ अबाउट दिस पैराग्राफ. एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज And we were children staying at the Archduke's. My cousin, he took me out on his sled and I was frightened. He said, Mary, hold on tight. And down we went. In the mountains, there you feel free. Here she is discussing, यहाँ पे speaker जो है वो Mary है. तो ये क्या कह रही है कि जब वो अपनी मेमोरी याद कर रही हैं, वो अपनी जो कुछ पुरानी मेमोरीज़ हैं, माउंटेन मेमोरीज़ हैं, उनको वापस से रिकॉल कर रही है. और वो याद कर रही है कि वो जब छोटी थी तब वो आर्क ड्यूक्स के घर गई थी, मतलब जो उसका कज़िन है उसके घर गई थी. और वो उसको बाहर लेके गया था स्लेड पे घुमाने के लिए. स्लेड क्या होता है? जो आइस में जो गाड़ी होती है जो चलती है, जिसको हम हिम गाड़ी भी कह सकते हैं, या फिर जो होते हैं ना डॉग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा खींची जाती है, कई बार देखा होगा आपने सीन्स में. सो उस स्लेड पे घुमाने के लिए लेके जाता है. और जब मैं डर जाती हूँ तो वो कहता है, मैरी मुझे कस के पकड़ लो, होल्ड मी टाइट, कि हम नीचे जाएंगे माउंटेन से स्लेड पे. और माउंटेन्स में जब हम वहाँ से डाउन की तरफ गए, माउंटेन्स के अंदर आइस के अंदर, सो वहाँ पे आप फ्री फील करते हो, कि मतलब सारी अपनी टेंशन्स हैं वो भूल जाते हो. आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्पीकर है उसको हैबिट है बहुत ज़्यादा पढ़ने की. बुक वॉर्म की टाइप का पर्सन है, कि मैं रात को पढ़ती हूँ और विंटर में मैं साउथ की तरफ जाती हूँ. वॉट वर द रूट्स दैट क्लच, वॉट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश सन नॉन ऑफ मैन. यहाँ पे वो क्या बताना चाहती हैं कि जो कौन सी रूट्स हैं जो क्लच करके पकड़े हुए रखी हुई हैं, कौन सी ब्रांचेस हैं जो ग्रो कर रही हैं, कहाँ पे? स्टोनी रबिश, मतलब स्टोनी एरिया के अंदर, स्टोनी रबिश एरिया के अंदर कौन सी ब्रांच रूट्स हैं जो उनको क्लच किए हुए, कौन सी ब्रांचेस उग रही हैं. सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन मतलब इंसान. यहाँ पे ये बाइबलिक लाइन है जिसमें हम कह सकते हैं ये क्रिस्ट के लिए भी, जीसस क्राइस्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, कि सन ऑफ मैन से पूछा जा रहा है. यू कांट से योर गैस फॉर यू नो ओनली ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेज. यहाँ पे ना तो आप कुछ बोल सकते हो ना कुछ गैस कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है. तो स्टोनी रबिश का मतलब वही है, मॉडर्न जनरेशन क्या हो रहा है, इनके विचार हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, कौन सी इनके अंदर से ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं, कि ये सब कुछ भूल गए हैं. तो उसके बारे में ना आप कुछ कह सकते हो ना आप कुछ गैस कर सकते हो. फॉर यू नो ओनली ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, इसमें जो इमेजेस हैं वो सिर्फ ब्रोकन इमेजेस हैं, मतलब कुछ पुराने जो चीज़ें हैं, जो पुराने जो किसी के पास जो हम वो कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटीज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, वो सब ख़त्म हो रखी हैं. कुछ वही ब्रोकन इमेज बाकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, जो पास्ट की जो कुछ यादें बाकी हैं. वेयर द सन बीट्स एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ. और जहाँ पे सूर्य की सिर्फ किरणें हैं, मतलब बहुत गर्मी है, ये एक डेजर्ट सीन कह सकते हैं हम, डेजर्ट सीन है. सो इसमें जो डेड ट्रीज हैं जो कोई शेल्टर नहीं दे सकते, द क्रिकेट नो रिलीफ, और क्रिकेट कोई रिलीफ नहीं दे सकता. क्रिकेट मतलब झिंगूर कह सकते हैं, या फिर ग्रास ओपर टाइप का एक वो होता है, इंसेक्ट होता है ग्रास ओपर, सबने देखा होगा आप सबने फ्रेंड्स. सो कि ऐसा कि वो कोई रिलीफ नहीं दे सकता, कि वो जो आवाज़ करता है तो कोई रिलीफ नहीं दे सकता. एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और जब सूखे
पत्थरों पे जब पानी गिरता है तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं होती, ओनली देयर इज शेडो अंडर दिस रेड रॉक. जो डेजर्ट में रॉक्स होते हैं आपने देखा होगा, डेजर्ट में बड़े बड़े रॉक्स, क्योंकि ट्रीज तो होती नहीं है तो वहाँ पे रॉक्स होते हैं, तो जो रॉक्स हैं वो रेड रॉक्स हैं, उन्हीं की शेडो में आप बैठ सकते हो. तो यहाँ पे रेड रॉक्स को रिलीजन से क्या है बिलोंग, कि इस यहाँ के कहने का क्या मतलब है कि जो रेड रॉक्स हैं वो रिलीजन से, कि वहाँ पे कोई शेल्टर नहीं है किसी, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी बाकी नहीं है, कोई रिलीजियस थॉट नहीं है उनमें. कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक, और तुम्हें अगर छाया में थोड़ा सा रिलीफ लेना है तो इस रेड रॉक के शेडो में आ जाओ. एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर योर शेडो एट मॉर्निंग स्ट्राइड डिंग बिहाइंड यू और योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू. आई विल शो यू द फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रेंड्स, सो लिसन इट केयरफुली. कि अब मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो तुम जो स्पीकर है वो कहना चाह रहा है कि जो तुमने आज तक नहीं देखे हैं, वो तुम्हारी शेडो जो मॉर्निंग की है, जो तुम्हारे पीछे होती है, दैट मीन्स योर पास्ट, एंड योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू. तुम्हारे पास जो हमारी, मतलब तुम जब चलते हो तो तुम्हें नज़र आती है वो आगे, दैट मीन्स योर फ्यूचर. यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है. तो ये जो शेडोज़ हैं, आई विल शो यू फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट, और तुम्हें मैं वो फियर, वो डर दिखाऊंगी इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट की. हैंडफुल ऑफ डस्ट मतलब इमोर्टेलिटी की, जो नाश्वरता है इंसान की, कि इंसान ख़त्म होता है. तो ये जो पास्ट फ्यूचर जो है, या फिर जो आगे आने वाला है, जो जो हमारा फ्यूचर है, सो इसमें एक दिन ये लाइफ साइकिल चलती रहती है और एक दिन हमें सबको ख़त्म होना है. तो हियर द स्पीकर टॉकिंग अबाउट द फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट विद मोर टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स बिगिन. वाइल एम्फसाइजिंग द inevitability dissolution precede new life, Eliot says that marriage recalls a moment of her childhood in the mountains and a feeling which had remained with her as she grew up. यहाँ पे मतलब जो स्टार्टिंग की जो लाइन थी, कि वो जब आग ड्यूक जो अपने कजिन के घर पे गई थी, तो ये उसकी कुछ मेमोरी हैं, पुरानी मेमोरीज, वो चाइल्डहुड मेमोरीज माउंटेन्स की, जो अभी भी वो बड़ी हुई है तभी भी उसके माइंड में अभी भी हैं, उसके साथ में है वो मेमोरीज. शी वॉज स्टेइंग एट द पैलेस ऑफ आर्कड्यूक हु वॉज हर कजिन. ही टुक हर आउट इन द स्नो ऑन ए स्लेड एंड शी वॉज स्केयर्ड. ही टोल्ड हर टू होल्ड ऑन टाइट एंड दे वेंट डाउन द स्लेड. और वहाँ पे आर्कड्यूक जो उसका कजिन है, उसके पैलेस में वो गई थी और वो उसको माउंटेन्स में लेके गया था आइस में स्लेड पे घुमाने के लिए, और वो जब डर गई थी तो उसने उसे कहा कि होल्ड ऑन टाइट, और फिर वो स्लेड से माउंटेन से नीचे चले गए. हियर डिजायर फॉर द माउंटेन इज मिक्स्ड विद द मेमोरी ऑफ फियर एंड हर लाइफ इज ए रिट्रीट. बट व्हाट आर द डल रूट्स ऑफ द स्ट्रीट बाय रेन. द सन ऑफ मैन कांट आंसर बिकॉज ही नोज ओनली टू वेस्ट लैंड विच हियर सजेस्ट बोथ द डेथ इमेजिनरी फ्रॉम इक्लेसिस्ट्स एंड फियर ऑफ व्हाट वॉज इज हाईलाइटेड बाय मैरी इलस्ट्रेटेड बाय मैरी. तो इसमें जो माउंटेन्स की जो मेमोरी है, इसको इसके साथ में फियर और थ्रेट को भी इन्वॉल्व कर रखा है, कि जब वो आते हैं, मतलब स्लेड इनके ऊपर से नीचे आते हैं माउंटेन से, और जो रूट्स हैं वो रेन में, मतलब किस प्रकार से डल रूट्स हैं जो अभी भी ग्राउंड में हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है. और जो वेस्टलैंड है, कि यहाँ पे वेस्टलैंड का मतलब है डेथ इमेजिनरी की बात हो रही है, कि जो मैरी ने बताया है. द स्पीकर हु ऑफन कॉज द प्रोफेटिक नोट विल शो मैन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द शेडो ऑफ टाइम इन दिस लैंड. ही विल शो हिम फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट. कि यहाँ पे वो बताया है कि जैसे प्रोफेटिक होती है ना, भविष्यवाणी टाइप में,
कि जो टाइम के जो शेडो है, मतलब टाइम गुजरता जाता है और इंसान इमॉर्टल है, और वो सिर्फ इज इक्वल टू अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, एक डस्ट के समान. दिस स्ट्राइकिंग फ्रेज इज फाउंड इन तो ये जो फ्रेज लिया गया है, ये हैंडफुल ऑफ डस्ट, ये मेडिटेशन फोर ऑफ डिवोशंस अपॉन एमरजेंट ओकेजन्स बाई जॉन डन, जॉन डन के द्वारा लिखी हुई है मेडिटेशन, तो इसे लिया गया है. पब्लिश इन वॉज पब्लिश इन 1624. एंड वॉट बिकम ऑफ मैंस ग्रेट एक्सटेंट एंड प्रपोर्शन वैन हिमसेल्फ श्रिंक्स हिमसेल्फ एंड कंज्यूम्स हिमसेल्फ टू ए हैंडफुल ऑफ डस्ट. इसमें ये बताया हुआ है कि हर एक जो इंसान है वो श्रिंक होता है. इमोर्टेलिटी की बात हुई है, बाइबलिक लाइन है, और यहाँ पे इलियट्स ने लाइन जो है वो बाइबल से ली गई हैं. सो इन नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन से कि इससे आगे हम देखते हैं कि दीज आर सम लाइन्स रिटन इन जर्मन एंड दिस इज एन ओपरा. ये एक ओपेरा है, ये रिचार्ड बैगनर का ओपेरा है जिसका नाम है ट्रिस्टन एंड आइसुल्ड. तो ये जो ओपेरा है, जो रिचार्ड बैगनर का ओपेरा है, ये जो फोर लाइंस हैं इसमें ट्रिस्टन है, ये एक मेल है, लवर है इसकी, वो आइसोलेट इसकी लेडी लव है. तो ये जो ट्रिस्टन है ये इंग्लैंड का है, ये आयरलैंड की है, आइसोलेट है जो. और इसके बारे में ये है कि ये जो सेलर है वो अपनी स्वीट हार्ट के लिए कुछ गाना गा रहा है, मतलब उनका जब उनके बीच में लव हुआ था तब उनके पास बहुत सारी यादें थी, वो पीक टाइम पे था उनका लव, लेकिन अब उनके पास सिर्फ यादें रह गई हैं, अब वो दुखी सोरोनेस में गा रहा है. यू गेव मी हाइसिंथ फर्स्ट ईयर अगो. यहाँ पे एक किस चीज़ की बात हो रही है कि हाइसिंथ, यहाँ पे रिसर्टेड गॉड के बारे में बात हो रही है, कि मतलब जो पुनर्जीवन है उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन इसको किससे बिलोंग किया है, फ्लावर से. हाइसिंथ जो होते हैं ये फ्लावर्स होते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं इनसे, कि इसमें जो है एक लेडी है जो उसका लवर मे भी उसके सामने नहीं है, मतलब उसके एब्सेंस में बातें कर रही है, कुछ सोच रही है. तो वो कह रही है कि तुमने मुझे एक साल पहले कुछ हाइसिंथ के फ्लावर्स दिए थे, दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल, इसलिए मुझे सब हाइसिंथ गर्ल कहने लग गए थे. येट वैन वी कैम बैक लेट फ्रॉम द हाइसिंथ गार्डन, योर आर्म्स फुल ऑफ योर हेयर वेट एंड आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फील्ड आई वॉज नेदर लिविंग और डेड एंड आई न्यू नथिंग लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइफ द साइल लाइट द साइलेंस हियर दैट गर्ल सेइंग दैट. कि जब हम वापस आए थे, मतलब जहाँ पे भी वो गए थे वहाँ से जब वो वापस आए थे, वो जो यहाँ पे बताया हुआ है हाइसिंथ गार्डन था, वहाँ से वापस आए थे वहाँ पे, तो तुम्हारी जो आर्म्स थी वो फुल थी, फुल दैट मीन्स कि मे बी उसके पास बहुत सारे हाइसिंथ थे, फ्लावर्स थे, और तुम्हारे बाल गीले थे. और मैं, वो लेडी कहती हैं कि मैं ऐसी हालत में थी कि मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, मेरी आंखें कुछ देख नहीं सकती थी, मैं ना तो जिंदा थी और ना ही मरी हुई थी, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी, मैं सिर्फ हार्ट ऑफ लाइफ लाइट में देख रही थी और सब तरह से साइलेंस ही साइलेंस था, कि कुछ भी नहीं बोल पा रही थी मैं. सो दिस इज द लाइन विच इज टेकन फ्रॉम क्रोम येल्लो बाय एल्डस हक्सली. तो हक्सली की जो क्रोम येल्लो है राइटिंग, दैट इज इन 1921, वहाँ से ये लाइन ली गई है. और इसमें आगे ये कहा जाता है कि मैडम सोसोस्ट्रीस, एक मैडम सोसोस्ट्रीस हैं उनके बारे में अब, मतलब नेक्स्ट आप कह सकते हो सीन चेंज हो रहा है यहाँ पे. अब मैडम सोसोस्ट्रीस एक मतलब फॉर्चून टेलर है, मतलब अब भविष्यवाणी बताती है. तो फेमस क्लियर वोयंट का मतलब यही होता है कि भविष्यवक्ता है. हैड ए बैड कोल्ड नेवरदलेस, और उसको बहुत ही बैड कोल्ड हो रखा है, मे बी वो बहुत फेमस है लेकिन वो सिर्फ ऐसा दिखावा कर रही है क्योंकि उसे बैड कोल्ड हो रखा है. तो
Maybe she is a common woman, is known to be the wisest woman in Europe. लेकिन वो एक वाइजेस्ट वूमेन के रूप में जानी जाती है यूरोप में, जो लोगों का भविष्य बताती है. विद ए विक्ड पैक ऑफ कार्ड, जो दुष्ट कार्डों का एक पैक ले रखा है. दुष्ट कार्ड मतलब टैरोट कार्ड्स, टैरोट कार्ड होते हैं ना, टैरोट कार्ड जिसमें से देख के भविष्य बताते हैं. टैरोट कार्ड में 78 कार्ड्स होते हैं. तो वहाँ पे वो कह रही है, हेयर शी शेड इज योर कार्ड द ड्रोन फोनिक सेलर. तो यहाँ पे वो कार्ड्स निकलवाती है, 6 कार्ड्स निकलवाती है. तो उसमें पहला जो कार्ड है वो फोनिक सेलर का है. फोनिशियन सेलर जो है, मे बी वो एक फर्टिलिटी गॉड है. फोनिक सेलर है वो, मतलब अपनी जो लाइट है वो जो सी के अंदर वो समर में डालता है एक बार, ताकि फर्टिलिटी हो सके लैंड के ऊपर. तो इसको हम फर्टिलिटी गॉड के नाम से भी जान सकते हैं. दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज लुक. और जो जो वो डूब गया है वो जो सेलर और मर गया है सी के अंदर, उसकी जो आइज हैं वो पर्ल बन गई हैं अब. तो ये जो लाइन है ये टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर उससे ली गई है ये लाइन, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज लुक. और उसके अंदर किस टाइम पे गाई जाती है ये, कौन गाता है, टेम्पेस्ट में एरियल गाता है. जब वो फर्डिनेंड को उसके अपने फादर अलोंसो से अलग करता है, तो वो एरियल गाता हुआ फर्डिनेंड को मंत्रमुग्ध कर देता है और फिर वो मिरिंडा तक पहुंच जाता है फर्डिनेंड. हियर इज बेलोडोना, एक दिस इज एन इटालियन लेडी, द लेडी ऑफ रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशंस. ये इसको लेडी ऑफ रॉक्स कहा है, लेडी ऑफ सिचुएशंस कहा है. ये हम जो इसका सेकंड सेक्शन है, ए गेम ऑफ चेस. सो हेयर इज द मैन विथ 3 स्टेव्स, मीन्स स्टेव्स मतलब लाठी, एंड हेयर इज द व्हील, मीन्स एक टैरोट कार्ड में एक पर्सन है 3 लाठियों के साथ. मे बी ही इज ए फिशर किंग, जो इनफर्टिलिटी का सिंबल है यहाँ पे, जिसको इनफर्टिलिटी, और इसकी जो पीपल थे इस किंग के, उनको इनफर्टिलिटी का सिंबल कहा गया है. एंड हेयर इज द व्हील, व्हील मीन्स द फॉर्चून ऑफ लाइफ. वी कैन सी से ही व्हील का मतलब ये है कि जैसे व्हील चलता है तो मतलब अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. तो एक व्हील का जो टैरोट कार्ड है जो ये बता रहा है कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स. एंड हेयर इज द वन आइड मर्चेंट, और यहाँ पे एक और कार्ड है टैरोट कार्ड जिसमें एक वन आइड मर्चेंट है, एक आंख वाला मर्चेंट है. एंड दिस कार्ड विच इज़ ब्लैंक इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक, और एक कार्ड है जो जिसमें वो देख नहीं पा रही हैं, जो मैडम सोसोस्ट्रीस हैं वो देख नहीं पा रही हैं, क्योंकि उसको वो कार्ड उसके लिए फॉरबिडन है. मीन्स फॉरबिडन मीन्स वो देख नहीं सकती है, और वो उस कार्ड में कोई अपनी बैग के ऊपर कुछ लेके जा रहा है, तो वो उसको ब्लैंक नज़र आ रहा है मैडम सोसोस्ट्रीस को. आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, और एक कार्ड है जिसके को वो सर्च कर रही है कि उसमें हैंग्ड मैन उसको नज़र नहीं आ रहा है. एंड फियर डेथ बाई वाटर, ये जो डेथ बाई वाटर है ये सेक्शन 4 में भी हम पढ़ेंगे. तो ये कहाँ से लिया गया है, द हैंग्ड मैन फ्रेजर की बुक से लिया गया है. सो हैंग्ड मैन को हम यहाँ पे जीसस क्राइस्ट भी कह सकते हैं, कि मतलब जिसको मतलब लटकाया हुआ है. तो एक कार्ड में वो है. तो यहाँ पे हमने 6 कार्ड्स की बात की है. एक में फोनिक सेलर है, दूसरे में बेलाडोना थी, थर्ड में 3 स्टेव्स के साथ में एक मैन था, और एक पील का भी हम बता सकते हैं, एक वन आइड मर्चेंट का है, एक वो जो देख नहीं पा रही है, और एक जो द हैंग्ड मैन का कार्ड है जो उसे मिल नहीं रहा है. सो हियर वी आर गोइंग विद द समरी ऑफ दिस, दैट इज अगेन वी गेट गार्डन सीन हियर एंड फ्रेम्ड बाय द सेलर मेलन जॉली सॉन्ग इन ट्रिस्टन स्टोरी. यहाँ पे एक दुखद गाना चल रहा है ट्रिस्टन के द्वारा, क्योंकि ये उस बुक से लिया गया है. इसमें लवर्स हैं ट्रिस्टन एंड आइसोलेट. A story of tragic passion, the capitalized Hyacinth suggests to vegetation god and a victim of love. यहाँ पे Hyacinth की भी बात हो रही है.
flowers ki, the protagonist's response is striking, a failure of speech and sight, a state neither living or dead, describing the effect of the vision of the ग्रेल अपॉन द एम्प्योर. जो ग्रेल मैंने जो बर्तन की बात की थी जिसमें सफ़र किया था जीसस क्राइस्ट ने, तो उसके उस विज़न के हिसाब से उस इन द सेम मैनर इसमें जो प्रोटोगनिस्ट है उसको भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना वो कुछ बोल पा रही है, ना वो जिंदा है, ना वो मरी हुई है. ए लव डेथ वुड बी एप्रोप्रिएटली फ्रेम्ड बाई स्नैचेज ऑफ सॉन्ग फ्रॉम Wagner's Tristan and Isolde, but the scene itself expresses a sufficient change. The German carries us back the scene with Mary and implies its association. और इसमें जो वैगनर की ट्रिस्टन एंड आइसोलेट है वहाँ से सॉन्ग लिया गया है, लव डेथ सॉन्ग. और एक जर्मन है वो मतलब कैरीज बैक सीन लिया गया है वहाँ से. द स्पीकर्स नीड टू Clairvoyance introduce Madame Sosostris. इसमें एक भविष्यवक्ता मैडम सोसोस्ट्रिस को इंट्रोड्यूस किया गया है. Perhaps she can look into the silence and interpret. She is a psychic fortune teller, but she had a bad cold. वो एक साइके फॉर्चून टेलर है लेकिन अब उसको एक बैड कोल्ड हो रहा है, विच में हैम्पर हर पावर्स, जो उसकी पावर्स में मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हर्डल बन रहा है. Nevertheless, her wisdom is the best there, involving a malicious pack of cards. और इसके जो विग्ड कार्ड हैं, दोषपूर्ण हैं जो कार्ड हैं, वो उनसे वो देख पा रही है. विजडम उसकी वैसे काफ़ी है यूरोप में. इन जनरल हर लिमिटेशंस एंड द आयरनी ऑफ द पोएम अपीयर इन व्हाट शी डज नॉट सी. द आयरनी ऑफ हर शॉर्ट कमिंग इज मोर अपेरेंट इन द फेलियर ऑफ सी विच शी मैंशंस. और इसमें कुछ उसकी शॉर्ट कमिंग्स को भी बताया गया है, वो यहाँ पे आयरनी है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ वो चीज़ें देख पा रही भी है जो मेंशन की हुई हैं. इनफैक्ट द वॉइस ऑफ आयरनी बिगेंस टू बी हर्ड इन दिस सेक्शन. इन टर्म्स ऑफ दिस कार्ड देयर इज नन ग्रेटर देन टू फियर डेथ बाई वाटर. कि डेथ बाई वाटर से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब इट्स ए डेंजरस death, but the fundamental irony is the restoration of great meaning of life of means of this wicked pack of cards. और लेकिन इसके साथ साथ में मीनिंग ऑफ लाइफ भी बताया हुआ है कि जिसका मतलब wicked pack of cards से लाइफ का मीनिंग बताया हुआ है. आगे हम देखते हैं मैडम सोसोस्ट्रिस है उसी के बारे में आगे इस पैराग्राफ में कंटिन्यू हो रहा है. एंड दिस इज अवर लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन, द बरियल ऑफ द डेड. आई सी क्राउड ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन ए रिंग. थैंक यू इफ यू सी डियर मिसिज इक्विटॉन. कि मैंने देखा लोग जो क्राउड में चल रहे हैं, एक रिंग में चल रहे हैं. रिंग का मतलब लाइफ, फिर डेथ, फिर लाइफ, मतलब जो लाइफ एंड डेथ का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है. तो इस तरीके से लोग जो चल रहे हैं. और थैंक यू इफ़ यू सी डियर मिसिज इक्विटॉन. अगर आपने मिसिज इक्विटॉन को देखा है तो आप, तो मिसिज इक्विटॉन यहाँ पे कौन है, एक कस्टमर कह सकते हैं हम, एक कस्टमर है मैडम सोसोस्ट्रिस की, जो उसके पास जाती है वो करने के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, कुंडली. टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज. तो वो कहती है मैडम सोसोस्ट्रिस कि तुम्हें मिसिज इक्विटॉन मिले तो उसको कहना कि मैं खुद आऊँगी उसको हॉरोस्कोप लेके, उसका हॉरोस्कोप जो उसने बनाने के लिए दिया है. क्योंकि आजकल दीज डेज मतलब प्रेजेंट टाइम, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये टाइम नहीं है कि हम किसी के ऊपर बिलीव कर सकें, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए. अनरियल सिटी किसको कहा गया है, लंदन को, जिसके अंदर कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है, इसलिए वो अनरियल सिटी है. अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ ए विंटर डॉन, एक सर्दी की सुबह की बात हो रही है जिसमें ब्राउन फॉग है. ब्राउन फॉग मीन्स इसको हम कह सकते हैं पॉल्यूशन की बात हो रही है, कि उसमें पॉल्यूशन भी है, स्पिरिचुअल वैल्यूज भी नहीं है. सो लंदन इज एन अनरियल सिटी. ए क्राउड फ्लॉड ओवर लंदन ब्रिज सो मैनी. और लंदन ब्रिज के ऊपर बहुत सारे जो थेम्स ऑफ रिवर, जो रिवर है थेम्स, उसके ऊपर से लंदन ब्रिज बना हुआ, वहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं. आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी.
और मैंने सोच वो जो स्पीकर है वो कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि डेथ ने इनको अंडन किया हुआ है, मतलब वो जिंदा भी हैं मरे, जिंदा हैं मरे नहीं हैं, लेकिन वो मरे हुए के बराबर ही, मतलब जिंदा भी नहीं है मरे हुए भी हैं, बस वो चलते जा रहे हैं, साइक सोट एंड इनफ्रीक्वेंट, वो चलते जा रहे हैं बस, बेयर एक्सल्ड एंड ईच मैन फिक्स डिजाइज बिफोर हिज फीट, और वो ऐसे लग रहा है जैसे मुरझाए हुए से नीचे झुके हुए से चल रहे हैं, और उनकी सबकी आइज जो है वो आगे की तरफ उनकी फीट की तरफ है, फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, और वो लंदन ब्रिज से चलते हुए हिल पे पहुंचते हैं, और हिल से नीचे उतरकर डाउन के नीचे पहुंच के किंग विलियम स्ट्रीट तक पहुंच जाते हैं, जो एक लंदन में एक स्ट्रीट है किंग विलियम स्ट्रीट, उसमें पहुंचते हैं, और फिर वहां से टू वेयर सेंट मैरी वुलनोथ, एक चर्च में जो कि किंग विलियम स्ट्रीट में एक चर्च है उसमें पहुंचते हैं, कीप द हावर विद द डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, और वहाँ पे उस चर्च के अंदर फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9 मतलब 9 बजते हैं, तो 9 बजे यहाँ पे एक डेड आवर बताया हुआ है कि 9 o'clock को, क्यों? क्योंकि मे बी ये एक वर्किंग आवर होता है कि 9 बजे सबको अपने काम पे जाना होता है, और मे बी इसे जीसस क्राइस्ट से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कहते हैं उनको 9 o'clock ही उनको हैंग किया गया था, मतलब उनकी डेथ हुई थी, सो इसको एक डेड साउंड कहते हैं 9 o'clock को। देर आई सा वन आई न्यू, और वहाँ पे जब लोग जा रहे हैं ब्रिज से फिर हिल पे, उसके बाद में स्ट्रीट में फिर चर्च में, तो इन लोगों में मैंने एक इंसान देखा जिसे मैं जानता था, एंड स्टॉप्ड हिम कैरिंग स्ट्रेटसन सॉरी क्राइंग स्टेटसन, और उसको मैंने रोका और चिल्लाया, मतलब चिल्ला कर रोका कि स्टेटसन, यहाँ पे मतलब कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि वो एजरा पाउंड के लिए स्टेटसन को यूज़ किया है कि अपने फ्रेंड के लिए, लेकिन एलियट कहते हैं कि वो फ्रेंड के लिए नहीं था, तो मे बी वो किसी को मतलब अपने फ्रेंड को, इसको सिर्फ हम फ्रेंड कह सकते हैं, स्टेटसन है ये वर्ड है वो फ्रेंड के लिए यूज़ हुआ है, अपने फ्रेंड के लिए यूज़ कर रहा है। You who were with me in the ships at Mile, कि तुम मेरे साथ थे Mile के ships में, Mile की जो लड़ाई में, Mile जो था battle हुई थी 269 BC में, तो ये Mile की जो लड़ाई थी वो first पुनिक वार में हुई थी, तो तुम उसमें ships में मेरे साथ थे, उससे कहता है that crops you planted last year in your garden, और जो तुमने लाशें बोई थी अपने गार्डन में, मतलब जो जो पर्सन मर गए थे उनको जब तुमने दफनाया था, प्लांट करने का मतलब है दफनाया था, हैज इट बिगन टू स्प्राउट, क्या वो फूटने लगी हैं, उनमें से कॉम्प्ले फूटने लगे हैं, विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या वो इस साल खिल गए हैं, और हैज द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट्स बेड, और क्या जो ठंड के मारे उनके बेड को मतलब डिस्टर्ब कर दिया गया है कि वो अभी बाहर नहीं आई हैं। ओ कीप द डॉग फार हैंड्स, कि प्लीज़ डॉग्स को दूर रखना उनसे, वहाँ उस एरिया से, दैट्स फ्रेंड टू मैन, उन डॉग्स को दूर रखना, मतलब जो डॉग्स हैं वो जो इंसान के फ्रेंड हैं, और विद हिज नेल्स ही विल दिग इट अप अगेन, और क्योंकि वो अपने नेल से, डॉग अपने नेल से उसको वापस खोद देगा। यू हाइपोक्रिटिक लेक्चरर, सो इस ये बताया गया है रीडर्स के लिए यूज़ किया गया है कि पाखंडी जो जो रीडर है वो मोन सेम्बलेल मोन फ्रेरे, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज की एक लाइन है फ्रेंच में जो लिखी हुई है, ये फ्लोरस डुमाल से ली गई है, जो चार्ल्स बर्डलेरे ने लिखी है, कि उसके बारे में बता रहे हैं कि मतलब जो जैसा तुम हो, जो रीडर तुम हो पाखंडी रीडर, वैसे ही मैं हूँ, तो ये जो लाइंस हैं ये और कहीं से लिखी हैं, चार्ल्स के द्वारा लिखी गई हैं। सो हियर वी गो विद द समरी, हैंस फॉर दिस फॉर्चून एंड द एक्सपीरियंस विच इट इंटरप्रेट्स कलर ऑफ विजन ऑफ द प्रोटोगनिस्ट ऑल दो ही हैज बिकम वन ऑफ द डेड, कि यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के बारे में प्रोटोगनिस्ट बता रहा है
जो मर चुका है, आई हैड नॉट थॉट डेथ हैज अनडन सो मैनी. वो कह रहे हैं कि मतलब मैं नहीं सोच सकता कि जो डेथ है अनडन, मतलब अभी तक मारा नहीं है इतने सारे लोगों को. द सिटी अपियर्स अनरियल टू हिम एज इट डज नॉट टू देम. दे डू नॉट शेयर हिज मिस गिविंग्स अबाउट द वेस्ट लैंड. दे डू नॉट कॉन्शियस ऑफ द क्रुएलिटी ऑफ अप्रैल. कि वो किसी भी चीज़ के तरफ वो ज़्यादा वो नहीं है, कॉन्शियस नहीं है कि अप्रैल क्रूअल मंथ कैसे है. मतलब वो उनके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो रही है उसके लिए कॉन्शियस नहीं है. डेथ इकोज थ्रू हिज सेक्शन दिस सेक्शन अंटिल इट कल्मिनेट्स इन दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन. जो डेथ है उसी के बारे में बात हो रही है इस सेक्शन में, जब तक कि वो ये बात नहीं होती कि जो तुमने लास्ट ईयर प्लांट की थी अपने गार्डन में. ये वाली लाइन तक व्हेन द प्रोटोगनिस्ट मेंशन द सिप्स एट माइले ही इज एसोसिएटिंग हिमसेल्फ अप्रोप्रिएटली इनफ विद द फोनिक सेलर इन फेमस एंगेजमेंट ऑफ प्यूनिक वार्स. और इसमें द सिप्स ऑफ एट माइले से मतलब यही है कि जो प्यूनिक वार हुआ था उसमें वो कहना जाता है फोनिशियन सेलर के साथ में वो था. यहाँ पे प्रोटोगनिस्ट ये कहना जाता है. तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और इसमें मैंने ऑलमोस्ट बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है जो लाइंस हैं ये. और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड इफ़ एनी सजेशन पुट इट इन कमेंट बॉक्स. एंड फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सो थैंक यू.